अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत डिमांडेड है क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमें रिसीव हुए थे कि कोई ऐसा असाइनमेंट वर्क हमें बताएं जिसे करके, जो कॉपी पेस्ट वर्क हो, जिसे करके हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ऐप लेके आए हैं जहाँ पर आप अपने आर्टिकल, अपने ऐसे सबमिट करवा के आप बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसका पेमेंट मेथड जो है वो भी इजी है और आप वहाँ से पेमेंट भी रिसीव इजीली कर सकते हैं। और वो ट्रस्टेड वेबसाइट है और वहाँ पे आप अपने जितने भी आपके पास यूनिक ऐसे हैं या आर्टिकल हैं, अगर आपके पास कोई ओल्ड आपने पहले को राइट करके लिखे हुए हैं तो वो भी आप उनको सेल करके पैसे कमा सकते हैं वहाँ से। ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्री हैं, जिनके पास टाइम है, वो भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही लेडीज़ जो घर में फ्री होती हैं वो भी काम कर सकती हैं इस पर। और ऐसे अफराद जो जॉब होल्डर हैं, उनके पास अगर फ्री में टाइम है तो वो भी ऐसे राइट करके इस वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। तो चलते हैं, हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और किस तरह और कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस पे ऐसे राइट करने के लिए। ये तो हम स्क्रीन पे हैं, आपने गूगल पे जाके राइट करना है स्टडी सोर्स। ये आप स्पेल भी देख रहे होंगे, यही सेम स्पेल आपने करने हैं और आपके पास ये एक साइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट वाली जो साइट है इसी को ही आपने ओपन करना है। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास सामने एक इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सेम स्टडी फॉर्म के नाम से आएगी। तो इसके फीचर मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से फीचर हैं और किस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सेल ऐसे ऑनलाइन आ रहा है। वुड यू लाइक टू मेक सम कैश ऑफ ओल्ड ऐसे विच आर स्टिल सिटिंग ऑन योर कंप्यूटर। वो कह रहे हैं जी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई पुराने ऐसे भी पड़े हैं, इस तरह के ऐसे हों जो आपने राइट किए हों, यूनिक हों, लेकिन वो ऑलरेडी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पब्लिश ना हुए हों, वो वाले ऐसे हों, तो वो भी आप हमें सेल कर सकते हैं। तो स्टडी सोर्स विल पे $25 से $40, यानी कि वो आपको, अगर आपके पास यूनिक ऐसे हैं तो आपको वो पे करेंगे $25 से लेके $40 तक। ये आपके ऐसे पे डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह क्राइट करते हैं। अगर आपके पास यूनिक ऐसे होगा, अच्छा आपने लिखा होगा और इंफॉर्मेटिव होगा, तो फिर वो आपको $40 तक पे करेंगे। हाउ इट्स वर्क, आपने ये किस तरह बनाना है वो भी बता देते हैं। अपलोड एज मैनी ऐसे मिनिमम 10 पेपर्स एज यू वॉन्ट टू सेल। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आपको इसके 10 पेजेस बनाने होंगे। वी शैल रिव्यू देम एंड मेक यू एन ऑफर इन 3 to 7 days। आप हमें इसका एक सैम्पल देंगे बना के, हम उसका रिव्यू करेंगे 3 से 7 दिन में और फिर आपको उसका रिप्लाई करेंगे। एक्सेप्ट ओवर ऑफर एंड कैश आउट योर अर्निंग। अगर हमें वो पसंद आ जाता है तो हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। योर एसे मस्ट कंटेन ए लिटिल टॉपिक एंड मस्ट बी यूनिक, सेंड योर एसे टू दिस ईमेल। अगर उन्होंने बताया कि एक स्मॉल टॉपिक होना चाहिए उसका, जो भी ऐसे आप बनाएंगे उसको आप ये वाली जो ईमेल है इस पे आपने सेंड करना है। इस ईमेल पे आपने कैसे बना के उसको सेंड करना है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे उन्होंने हमें क्या बताया। आगे वो बता रहे हैं जी कि टॉप सेलर जो है 2023 के, वो भी उन्होंने बताए हैं, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो नीचे आल्सो वी विल पे अप टू 150 फॉर गुड एप्लीकेशन ऐसे लाइक दिस सब्जेक्ट। कुछ उन्होंने सब्जेक्ट्स नीचे दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं अगर आप इन पे ऐसे राइट करेंगे तो हम आपको $150 तक भी पे करेंगे। नीचे हम देखते हैं कि क्विक कैश फॉर इजी सॉरी ऐसे पास्ट असाइनमेंट एंड ओल्ड होमवर्क, कैश पेड वाया पेपाल और ओल्ड ऐसे $25 to $40 ऐसे सिंपल रूल्स। ये कुछ उन्होंने रूल बताए हुए हैं, वो भी आपको जरूर पढ़ने हैं। सेंड अस योर एसे वाया ईमेल, इस ईमेल पे आपने सेंड करना है। वी विल असेस योर एसे एंड पे द अमाउंट वाया पेपाल अकाउंट। वंस सोल्ड टू अस यू मस्ट नॉट पब्लिश दिस। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने पहले कहीं किसी ऑनलाइन फील्ड में उसको पोस्ट किया हुआ है या किसी को सेल किया हुआ है तो इस तरह कैसे हमें दोबारा ना भिजवाएं। इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी विल नॉट मेक एनी पेमेंट। अगर हमें वो पसंद नहीं आएगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे और आपकी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि इफ वी आर नॉट इंटरेस्ट, अच्छा सॉरी, वी मे नॉट एक्सप्लेन एंड द रीजन वाई सबमिशन।
हैज नॉट बीन एक्सेप्ट, वो पसंद नहीं आएगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे और आपकी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि इफ वी आर नॉट इंटरेस्ट, अच्छा सॉरी, वी मे नॉट एक्सप्लेन एंड द रीजन व्हाई सबमिशन हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, तो हम कोई आपको रीजन भी पेश नहीं करेंगे कि हमने वो आपका रिजेक्ट क्यों किया है, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कहीं पे पोस्ट किया होगा तो वो उनके काम का नहीं, इसलिए वो आपको नहीं करेंगे। द एसे मस्ट बी ऑथेंटिक एंड नॉट पब्लिश्ड ऑनलाइन, अभी मैंने बताया आपको, एसे दैट विल बी फाउंड टू बी नॉट ऑथेंटिक विल बी डिलीटेड, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू एंड डिलीट योर वर्क, योर वर्क डज नॉट पास ग्रामरली, नीचे वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने किस तरह इसको राइट करवाना है। नो स्पिन एसे, प्लीज विल इग्नोर एसे दैट वी सस्पेक्ट आर मैस प्रोडक्ट आर स्पिन, मैं आपको वैसे उर्दू में बता दूं कि वो कह रहे हैं कि आपने जो ऐसे राइट करना है उस पर वो स्पिन बॉट नहीं करना आपका। इजी मस्ट सॉरी एसे मस्ट बी योर प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू योर ऑफर बाई बाइंग, द मोमेंट वी पे फॉर एसे द एसे बिकम अवर प्रॉपर्टी 100%, अगर आप हमें सेल कर देंगे तो वो ऐसे हमारी प्रॉपर्टी होगा 100%, आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। द मिनिमम लेंथ ऑफ एसे, मिनिमम लेंथ जो है वो बता रहे हैं कि जी 1000 वर्ड का होना चाहिए। अगर आप फिर आगे प्राइसिंग के थोड़े से गाइडलाइन उन्होंने बताइए, हाउ डू वी प्राइस अवर एसे, एसे बिटवीन 1000 to 2000 words आर प्राइस, अगर 1000 से 2000 वर्ड का होगा तो हम आपको $40 का पे करेंगे, और उससे जो आगे लेंथ होगी 2000 से ऊपर होगी उसका $5 पर एवरी नेक्स्ट होल 1000, अगले 1000 का $5 वो पे करेंगे। अगर $3000 का होता है तो वो आपको $45 पे करेंगे। द मिनिमम लेंथ ऑफ एसे इज 800, जो सबसे शॉर्टेड होगा वो 800 वर्ड का होगा, अगर आप 800 वर्ड का बनाते हैं तो वो आपको उस पर कम पे करेंगे। स्कूल एसे आर प्राइस्ड 20% lower, अगर स्कूल वाले जो ऐसे हैं, आगे मैं बताता हूँ आपके कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के किस तरह अलग अलग उन्होंने टॉपिक दिए हुए, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि इस वेबसाइट के साथ आपने काम किस तरह करना है। तो आगे नेक्स्ट ये कुछ रिसेंट पोस्ट आ रही हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिसेंट पोस्ट की हुई हैं लोगों ने जो वहाँ पे सेल किए हुए हैं, आपको इसको भी देखना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रेडिंग, वो कह रहे हैं जी आपने जो ऐसे राइट करना है उसकी आपने यहाँ पे आके ग्रेडिंग भी चेक करनी है, यहाँ पे आपने टाइटल देना है और यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करना है, तो इसको आपने चेक माय एसे के पे करना है, आपको ग्रेडिंग वो बताएगा, ग्रेडिंग आपकी अच्छी होगी तो फिर आपने उसको सेंड करना है। ये आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि आपने ये सारी चीज़ें पहले करनी है, उसके बाद आपने ईमेल करना है, तो आपका आपका जो ऐसे है वो परफेक्ट हो, आपके असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो, आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट होनी चाहिए। यहाँ पे पॉपुलर ऐसे टॉपिक्स दिए हैं उन्होंने, इन टॉपिक्स पे आपने ऐसे राइट करने हैं और उनको भिजवाने हैं। मेरी एक सजेशन है, आप किसी एक ईमेल से एक ऐसे बनाएं, उस पर ईमेल करें उनको, 4-5 आपके पास ईमेल होंगी, हर फ्रीलांसर के पास इतनी ईमेल्स हैं, तो आप 4-5 ऐसे बनाएं और मुख्तलिफ ईमेल्स पे उनको ईमेल करें ताकि आपका कोई एक एक्सेप्ट हो जाए और फिर से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो नेक्स्ट ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, अदर पेपर जो है ये आपने देखने हैं, इसके ऊपर जो आ रहा है नेक्स्ट नॉलेज बेस्ड है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे रीड करनी है। ये मोस्ट पॉपुलर ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपने ज़रूर चेक करने हैं और इन पे आपने ज़रूर ऐसे राइट करके भिजवाना उनको। अब हम बात करते हैं कि आपने ऐसे कहाँ से और कैसे राइट करना है, तो मेरे चैनल पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी कंटेंट राइटिंग की, ब्लॉगिंग की, आप वहाँ पे जाएं, आप ऐसे वहाँ से देख सकते हैं कि आपने किस तरह ऐसे राइट करना है। और नेक्स्ट आपने ऐसे से जो उसके बाकी चीज़ें जिसका एआई का जो फैक्टर है वो कैसे रिमूव करना है, और ग्रामरली आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में, वो आपकी ग्रामर की सारी जो करेक्शंस करेगी, और आपने अगर ले सकते हैं तो आप क्विलबॉट का एक प्रीमियम ले ले, टूल वाले सेलर से आपको इजीली मिल जाता है 400-500 का, वो आप ले लेंगे तो वहाँ पे एक उनकी कमांड है सिंपल के नाम से, आपने अगर ए सी राइट करवाना है और फिर उसके बाद आप सिंपल में जाके उसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी जो रीडेबिलिटी है उसको वो इम्प्रूव कर देता है, 60-70% पे ले जाता है, तो वो बहुत अच्छी रीडेबिलिटी होती है।
किसी भी ऐसे के लिए। अब मैं अगर समझाना शुरू कर दूं कि आपने जीपीटी से कैसे ऐसे लिखवाना है और फिर आप कोयल बर्ड पे जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ईमेल आपने ज़रूर करनी है ऐसे लिख के, आपका कोई ना कोई ऐसे ज़रूर एक्सेप्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी आइडिया ना हो, तो ये ऑलरेडी जो ओवर बेस्ट ऑथर आ रहे हैं इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, आपके बार पे साथ बेस्ट ओवर बेस्ट ऑथर आ रहे हैं, इनको आपने ज़रूर चेक करना, इनके आर्टिकल ज़रूर ओपन करने हैं कि इन्होंने किस तरह लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि ये इस तरह आप आर्टिकल लिख सकते हैं और देखने से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, तो आपने उस तरह के आर्टिकल ज़रूर राइट करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।